हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों के यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया। दोस्तों 16 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित है। देखिए बिरजू महाराज जो है ना, ये कत्थक से संबंधित है। तो कत्थक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या है ये भी जान लीजिए। इनका पूरा नाम है पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज। ये कत्थक नृत्य रूप के स्वामी हैं। ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना संगीतकारों के एक विशिष्ट संगीत शैली को साझा करने वाले समुदाय के एक प्रमुख प्रतिपादक हैं। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कत्थक नृत्य परिवार में पैदा हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। देखिए दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है। तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी जो नदी की उत्पत्ति है ना, ये पश्चिमी घाट की त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ये प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ से शुरू हुआ। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ना, ये 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में वो शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो पास्कल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और इसे पीए द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्र होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है ना, ये अमरकंटक से होता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये रिप्त घाटी के बीच में बहती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ नदी हैं और उद्गम स्थल, जैसे कि नुब्रा नदी जो है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। कावेरी का उद्गम ताल कावेरी से होता है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें वो है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी जो है ना, वो गोदावरी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम नासिक महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सबरी हैं। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिमों को किस अधिनियम के तहत वोट डालने का अधिकार मिला। तो देखिए मुस्लिमों को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वोट डालने का अधिकार मिला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं। देखिए एक कोशिकीय जीव जो है ना, अमीबा और केचुआ होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। एक कोशिकीय जीव वह जीव हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका शेल हो। इनके विपरीत बहु कोशिकीय जीवों में से एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। अधिकतर एक कोशिकीय जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मबीन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हालांकि लगभग एक दर्जन एक कोशिकीय जीव ऐसे भी हैं जिन्हें सीधा आँख से देखा जा सकता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, सम्राट हर्षवर्धन किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था? तो देखिए सम्राट हर्षवर्धन जो है ना, राजवर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे, तो राजवर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। हर्ष ने कन्नौज और थानेश्वर को संयुक्त कर कन्नौज को इसकी राजधानी बनाया। वह वर्धन वंश का शासक था, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक बेटी राजश्री थी। राजवर्धन की हत्या बंगाल के गौंड साम्राज्य के शासक शशांक ने की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।